हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में इन दिनों पलम सीजन जोरों पर है। इस पर पलम बागवानों को दाम भी पिछले वर्ष से अधिक मिलने से वे खुश हैं। सर्दियों में आशा अनुरूप बारिश और बर्फबारी हुई है। पलम की फसल अच्छी होने के साथ साथ पलम का साइज भी लार्ज है। हालांकि कुछ दिन पहले तूफान ने पलम की फसल और पौधों को काफी नुकसान पहुंचाया था, इसके बावजूद पलम की फसल बीते वर्ष से अधिक है। बागवानों का कहना है कि बीते माह बगीचों में जो अनुमान लगाया गया था उससे 1.5 गुना ज्यादा फल निकल रहा है। उनका कहना है कि इस पर मौसम ठीक रहा, जमीन में नमी पर्याप्त थी जिससे पलम का आकार भी बड़ा है। हिमाचल प्रदेश में पलम की बागवानी 8700 हेक्टेयर में होती है। बीते वर्ष हिमाचल में 14300 मीट्रिक टन पलम की पैदावार हुई थी। इस बार पैदावार 20000 मीट्रिक टन रहने की उम्मीद विशेषज्ञ जता रहे हैं। पूरे देश में पलम की बागवानी 26000 हेक्टेयर क्षेत्र में होती है और पैदावार करीब 72000 मीट्रिक टन। इन दिनों शिमला जिला के सतलुज घाटी क्षेत्र और इसके साथ लगते मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में पलम तुड़वान का कार्य जोरों पर है। बागवानों के साथ साथ बाहर से पलम सीजन में मजदूरी करने आए लोग भी खुश हैं। बागवानी विशेषज्ञ एवं गुठलीदार फल उत्पादक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS मिन्हास ने बताया कि पिछले आंकड़ों के अनुसार 8686 हेक्टेयर क्षेत्र में पलम बागवानी होती है और पैदावार बीते वर्ष 14340 मीट्रिक टन हुआ है, लेकिन इस बार अनुकूल मौसम के चलते पैदावार 20000 मीट्रिक टन से अधिक होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि विदेशी अच्छी किस्म के पलम के पौधे आने से लोगों का रुझान अब पलम फसल की ओर बढ़ रहा है। बाजार में पलम की दरें अच्छी हैं, ऑर्गेनिक पलम की कीमत 90 रुपए है। सहारनपुर से पलम सीजन लगाने आए अजब सिंह ने बताया कि वे सीजन के दौरान यहां आते हैं और दिन रात मेहनत करके अच्छा पैसा कमाते हैं, इससे अपनी पढ़ाई की फीस आदि का बंदोबस्त होता है। मोहम्मद एहसान ने बताया कि वे पलम का कारोबार करते हैं। वे पलम खरीद कर दिल्ली मंडी भेजते हैं, अपने साथ मजदूर भी सहारनपुर से ही लाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते मंडी अच्छी थी, करीब 5 किलो की पैकिंग पेटी लार्ज दाने वाले के 400 रुपए मिल रहे थे, अब कुछ रेट कम हुआ है। बागवान मोहन सिंह ने बताया कि फसल इस बार अच्छी है, पलम का साइज भी ठीक है। जो अनुमान उन्होंने बगीचे से निकलने वाले फल का 1 माह पहले लगाया था उसका 1.5 गुना ज्यादा फल निकल रहा है, इससे पलम के ठेकेदारों को लाभ हुआ है। उन्होंने बताया कि मार्केट में लार्ज जाने वाले पेटी 400 व दूसरी पेटी 200 रुपए में बिक रही है। सरस्वती विद्या मंदिर स्वाहल के नन्हे छात्रों ने गांव में पर्यावरण जागरूकता को लेकर रैली का आयोजन किया तथा क्षेत्र के लोगों को पर्यावरण के महत्व को समझाया। इसके साथ ही स्कूल के बच्चों ने पर्यावरण संबंधी संदेश लिखकर भी आम लोगों तक पहुंचाया। इस बात की जानकारी स्कूल प्रधान आचार्य मीना डोगरा ने दी। सोलन के बड़ोग में स्थित ड्रोस रोविंस फार्मा कंपनी में कामगारों और कंपनी में बकाया वेतन को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले कंपनी में कार्यरत कामगारों ने हड़ताल कर दी और तब तक काम पर न लौटने की चेतावनी दी जब तक कि उनका बकाया वेतन नहीं दिया जाता। आज कंपनी प्रबंधन के MD ने प्रेस वार्ता कर कामगारों की इस हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि उन्होंने बिना किसी नोटिस के हड़ताल आरंभ की है जिसकी वजह से कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है। कंपनी के MD विकास भट्टाचार्य ने बताया कि जब से नोटबंदी हुई है तब से उनकी कंपनी जो कभी 24 करोड़ का व्यापार करती थी वे करीबन कुछ ही वर्षों में 3 करोड़ रुपए के व्यापार पर आ चुकी है, जिसकी वजह से आज उनका यूनिट काफी घाटे में चल रहा है, लेकिन वे यहां से भागने वाले नहीं हैं और जल्द ही कामगारों को उनका बकाया दे दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वे बिल्कुल निराधार हैं और उनकी कंपनी में कार्य कर रही महिलाओं को कर्मचारी नेता द्वारा बहकाया गया है, जिस पर वे जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। बड़ोक में स्थित फार्मा कंपनी द्वारा पिछले करीब 6 माह से कामगारों को वेतन नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते कामगारों ने
उद्योग के बाहर धरना प्रदर्शन किया और तब तक काम पर ना जाने का ऐलान किया जब तक उनका बकाया वेतन नहीं मिल जाता। अधिक जानकारी देते हुए युवा इंटक प्रदेशाध्यक्ष राहुल तनवर ने बताया कि उनके प्रदर्शन को देखकर फार्मा कंपनी ने दरवाजा बंद कर सभी को अपने अपने घर जाने के निर्देश दिए और कहा कि अब वे कामगारों का भुगतान दिल्ली से ही करेंगे, जो तर्क संगत नहीं है। इस घोषणा से कामगार सकते में है, जिसके चलते उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के समक्ष गुहार लगाई। मंत्री राजीव सैजल मौके पर पहुंचे और उन्हें व्यवस्था को दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया। इस घटना पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि वे कामगार महिलाओं से मिले हैं और उनकी सारी आपत्ति भी सुनी है। वे किसी भी तरह से महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने संबंधित विभाग को उचित कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए हैं और जल्द ही महिलाओं का बकाया वेतन दिलवा दिया जाएगा। ये विषय आज ही मेरे ध्यान में आया है और मैं उन महिलाओं से भी मिला हूँ जो वहाँ बैठी हुई हैं उस फैक्ट्री के बाहर, और सारा विषय उन्होंने मुझे बताया है, मैंने सारा विषय समझा है। और ये विषय ध्यान में आने के बाद मैंने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बात की है और उन अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि शीघ्र इस दिशा में कड़ी कार्रवाई होगी और जिस प्रकार से 6 महीने से वेतन जो है वो नहीं मिला है, उनका सारा वेतन जो है उनको दिलाया जाएगा।